कल मैंने बताया है कि देर आर टाइप्स ऑफ एंडोस्कोपी, ठीक है। अगर हमें लंग्स को विजुअलाइज करना है, अगर हमें यू नो यू वांट टू सी द लंग्स कंडीशन, ठीक है, अगर कोई कैंसर है या कोई ट्यूमर है लंग्स के अंदर, या कोई भी अबनॉर्मैलिटी है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन है, ठीक है, सो वी वांट टू विजुअलाइज, वी वांट टू सी द लंग्स, ठीक है, वी वांट टू सी द कंडीशन ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो हम कौन से प्रोसीजर यूज कर लेंगे, दैट इज ब्रोंकोस्कोप, ठीक है। अगर हमें ट्राकिया को विजुअलाइज करना है, या प्राइमरी ब्रोंका, या सेकेंडरी ब्रोंका, या टर्शरी ब्रोंकाई, या एल्वियोलाइज, ठीक है, अगर हमें वी वांट टू विजुअलाइज, वी वांट टू सी द पार्ट्स ऑफ द लंग्स, देन वी कैन यूज ब्रोंकोस्कोप, ठीक है। इज दिस क्लियर? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? 21, ठीक है। सो कैन आई गो, कैन आई स्टार्ट विद द टॉपिक? यस मैम। ओके, ठीक है। तो व्हाट इज एंडोस्कोपी, व्हाट इज सॉरी व्हाट इज ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है। तो ब्रोंकोस्कोपी द डेफिनेशन इज, इट इज अ डायरेक्ट इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है। सिर्फ हम लैरिंग्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, लेकिन ट्राकिया एंड द ब्रोंकाई थ्रू एन एदर अ फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप और अ रिजिड ब्रोंकोस्कोप, ठीक है। तो ब्रोंकोस्कोप क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये एक डिवाइस है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है वेयर वी आर एबल टू एग्जामिन और वी आर एबल टू इंस्पेक्ट द कंडीशन ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो ये जो ब्रोंकोस्कोप है, ये जो डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है, ये दो टाइप्स की होते हैं। एक है फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप और दूसरा टाइप है रिजिड ब्रोंकोस्कोप। रिजिड का मतलब है फिक्स्ड, ठीक है, इट इज स्ट्रेट, इट इज फिक्स्ड, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा टाइप है, दैट इज अ फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप, ठीक है। तो बाय यूजिंग द ब्रोंकोस्कोप, इधर फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक या रिजिड वाला ब्रोंकोस्कोप यूज कर रहे हो, तो वी आर एबल टू एग्जामिन और वी आर एबल टू सी द इंटरनल कंडीशन ऑफ द लैरिंग्स, वी आर एबल टू सी द कंडीशन ऑफ द ट्राकिया, अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं बीच में या कोई भी इंफेक्शन है। हाँ बोलो मैम, स्लाइड चेंज नहीं हो रही। स्लाइड चेंज नहीं हो रही? यस मैम, ब्रोंकोस्कोपी वाला है। हाँ तो ब्रोंकोस्कोपी में ही समझा रही, फर्स्ट स्लाइड। यस मैम। हाँ, आई एम देयर ओनली, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ ब्रोंकोस्कोपी, इट इज अ डायरेक्ट इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ लैरिंग्स। नंबर टू, इट वी कैन एग्जामिन द ट्राकिया। नंबर थ्री, वी कैन एग्जामिन दी ब्रोंकाइस, ठीक है। ब्रोंकाइस में तीन ब्रोंकाइस है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी और दूसरा क्या है, टर्शरी, ठीक है। सो वी कैन, अगर कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर है इन एनी ऑफ दी पार्ट ऑफ दी लंग, ठीक है, तो वी कैन यूज दिस प्रोसीजर ब्रोंकोस्कोपी। और सबसे कॉमन वाला ब्रोंकोस्कोप यूज करती हूँ, दैट इज दी फाइबर ऑप्टिक, फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप इज मोर फ्रीक्वेंटली यूज इन द प्रैक्टिस, ओके, इन द वार्ड्स, इन द हॉस्पिटल। मोस्टली हम मोस्टली डॉक्टर्स क्या प्रिफर करते हैं, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप, क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज नॉट रिजिड, इट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। सो विच इज मोर बेनिफिशियल, विच इज मोर ईजी, दैट इज द फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप, ठीक है। ये सबसे कॉमन, मतलब मोर फ्रिक्वेंटली यूज वाला है, ठीक है। सो दैट वॉज द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंकोस्कोपी। नाउ कमिंग टू द पर्पसेस ऑफ ब्रोंकोस्कोपी, नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट स्लाइड, हिमानी। नो मैम, चेंज नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा फिर, पता नहीं, ठीक है, कोई नहीं, तुम रिफ्रेश कर लो, इल कम। ओके, सो द पर्पसेस ऑफ ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी जो जो प्रोसीजर है, ये किसके लिए यूज करते हैं? सो द क्या, हेलो,
कोई नहीं, हो जाएगा चेंज. इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेट प्रॉब्लम मे बी. ठीक है, वो चेंज हो जाएगा. आई विल सेंड दिस पावर पॉइंट इन द ग्रुप ऑल्सो. यू कैन सी द पावर पॉइंट आफ्टर द क्लास. ठीक है, ओके ओके मैम. ओके ओके. सो व्हाट आर द पर्पसेस. ठीक है, व्हाट मतलब क्यों ये जो ब्रोंकोस्कोपी है ये हम क्यों करते हैं. इट हैज टू पर्पसेस. वन इज डायग्नोस्टिक टेस्ट के. ठीक है, अगर हमें कुछ कंफर्म करना है, डिजीज कंडीशन कंफर्म करना है, वेदर इज अ लंग कैंसर और इफ देयर इज एनी अबनॉर्मैलिटी इन द लंग्स, अगर फ्लूइड कलेक्शन प्रेजेंट है या कोई भी एनी अदर प्रॉब्लम्स और एनी डिजीज कंडीशन ऑफ द लंग्स, वी कैन यूज ब्रोंकोस्कोपी. सो ब्रोंकोस्कोपी इज फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट. ओके, और डायग्नोस्टिक ब्रोंकोस्कोपी इज यूज टू एग्जामिन टिश्यूज और कलेक्ट सीक्रीशंस. ये है पॉइंट नंबर वन. ठीक है, अगर हमें यू नो इफ देयर इज एनी अबनॉर्मल अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स और टिश्यूज, ठीक है, तो वी कैन examine the tissue, we can inspect the condition of the tissues and we can also collect the secretion. Jo mucus secretions produced ho raha hai, we can also collect it. Then point number two is to determine if a tumor can be resected surgically. Theek hai, agar tumor present hai lungs ke andar, theek hai, if there is any lung tumor, then we can identify what is the size of the tumor. ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई कि वो बिनाइन है या वो मेटास्टासिस मतलब हाँ मेटास्टासिस है. ठीक है, सो वी कैन आइडेंटिफाई इज इट अ मेलिग्नेंट और इज इट अ बिनाइन ट्यूमर. एंड नंबर थ्री, टू डायग्नोज द ब्लीडिंग साइट. ठीक है, अगर पेशेंट इज हैविंग यू नो इज हैविंग ब्लड इन द स्पूटम. ठीक है, अगर स्पूटम में बलगम में ब्लड प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, हिमोप्टिसिस, है ना. तो वी वांट टू फाइंड आउट कि कहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है. ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट कि वेयर इज इट ब्लीडिंग, देयर इज एनी इंजरी इन द ट्राकिया या लैरिंग्स में ब्लीड इंजरी है या लंग्स में इंजरी है. ठीक है, तो वी वांट टू फाइंड आउट द ब्लीडिंग साइट कि कहाँ पे इंजरी हुआ है और क्यों ब्लीडिंग हो रहा है. ठीक है, so this we can use the diagnostic bronchoscopy. ठीक है, so this was the first purpose. ठीक है, diagnostic test के लिए हम use करते हैं bronchoscopy. second purpose is therapeutic, therapy के लिए. ठीक है, अगर I think everyone has heard about biopsy. ठीक है, तो biopsy में क्या करते हैं कि we are taking a small tissue. ठीक है, एक small tissue हम उसको रिमूव कर देंगे. ठीक है, सो वी कैन यूज बाय बायोप्सी. सो दिस बायोप्सी ऑल्सो वी कैन यूज विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसीजर कॉल्ड ब्रोंकोस्कोपी. ठीक है, तो थेरेप्यूटिक ब्रोंकोस्कोपी इज यूज टू नंबर वन रिमूव फॉरेन बॉडीज. ठीक है, अगर लंग्स में कोई भी फॉरेन बॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है, एनी इंस्ट्रूमेंट और एनी स्मॉल डिवाइस और एनी स्मॉल कॉइन और एनी थिंग, कोई भी फॉरेन बॉडी विच इज प्रेजेंट इन द लंग्स, अगर हमें उनको रिमूव करना है तो हम ब्रोंकोस्कोपी यूज कर सकते हैं. ठीक है, नंबर टू, इट कैन रिमूव सिक्रीशंस विच आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द लंग्स. ओके, कोई भी सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा प्रोड्यूस्ड हो रहा है तो इट कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्राकिया एंड इन द लंग्स. ठीक है, तो देर विल बी नो प्रॉपर एयर एक्सचेंज, देर विल बी नो वेंटिलेशन. ठीक है, तो हमें वो सिक्रीशंस हमें रिमूव ही करना है. सो वी कैन यूज बाय ब्रोंकोस्कोपी. एंड नंबर थ्री, टू ट्रीट एनी पोस्ट ऑपरेटिव एटिलैक्टैक्सिस. एटिलैक्टैक्सिस का मतलब है कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई. ठीक है, वी डू नॉट वॉन्ट द एल्वियोलाई टू कोलैप्स. ठीक है, सर्जरी के बाद, कोई भी सर्जरी के बाद देर आर चांसेस दैट वो पेशेंट की जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स्ड हो जाते हैं. ठीक है, इट विल नॉट फंक्शन. ठीक है, सो वी डू नॉट वॉन्ट द पेशेंट टू हैव कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई एटिलैक्टैक्सिस. तो वी कैन यूज ब्रोंकोस्कोपी. ठीक है, टू ट्रीट द पोस्ट ऑपरेटिव कोलैप्स्ड ऑफ द एल्वियोलाई. ठीक है, सो बाय फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम, ओके, सो वी कैन
use the bronchoscope. So this is a therapeutic bronchoscopy. ठीक है, तो there are two purpose of bronchoscopy. एक है diagnostic test के लिए और दूसरा है therapy के लिए. Is this clear with the purpose? Yes, ma'am. Okay. Now coming to the instrument. ठीक है, वो जो instrument हम use करते हो bronchoscopy में, उसको बोलते हैं bronchoscope. ठीक है, so a bronchoscope is used to view the airway and check for any abnormality. ठीक है, वो जो device, जो instrument हम insert करते हैं through the mouth or through the nose of the patient, and that instrument we called it as bronchoscope. ठीक है, so it is a slender, flexible tube less than 0.5 inch or 2.5 centimeter wide. And approximately iska length kya hai 2 feet, yeah, theek hai, it can be 2 feet long, and it uses fiber optic technology. It fiber optic technology isme kya hota hai ki there is a light, theek hai, there is a small light, there is a small camera, and it has fine filaments. Theek hai, so filament, fine filaments ki kya purpose hai, so that wo flexible ho jaye. Theek hai, wo जो ट्यूब हम इंसर्ट कर रहे हैं दैट कैन बी फ्लेक्सिबल. ठीक है, सो दैट दिस इंस्ट्रूमेंट वी कॉल इट एज ब्रोंकोस्कोप. ठीक है, देन कमिंग टू द टाइप्स ऑफ ब्रोंकोस्कोप, ये मैंने बता दिया है डेफिनेशन में. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रोंकोस्कोप. ठीक है, वो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर डिवाइस यूज कर रहे हैं इसका दो पार्ट है, दो टाइप्स है, एक है रिजिड और दूसरा है फाइबर ऑप्टिक. ठीक है, रिजिड का मतलब है स्ट्रेट. ठीक है, इट इज नॉट बेंड, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल. लेकिन जो फाइबर ऑप्टिक ट्यूब है, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप है, वो फ्लेक्सिबल है. ठीक है, वो बेंड कर सकते हैं. इफ यू वांट टू गो एंड वी वांट टू इंसर्ट इनटू द टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, क्योंकि टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स बहुत ही इट इज वेरी स्मॉल है ना, एंड इट इज डीप इनसाइड द लंग्स. सो वी वांट टू यूज फ्लेक्सिबल ट्यूब. ठीक है, सो दैट इट कैन गो हियर एंड देयर, लेफ्ट एंड राइट. सो वी कैन यूज फाइबर ऑप्टिक फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप. सो यू कैन सी हियर, दिस इज अ रिजिड ब्रोंकोस्कोप. ठीक है, तो रिजिड ब्रोंकोस्कोप, इट इज अ हॉलो मेटल ट्यूब विद अ लाइट एट इट्स एंड. ठीक है, तो हर ट्यूब के साथ एक छोटा सा लाइट है, सो दैट इट विल आइडेंटिफाई द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द लंग्स. एंड ऑल्सो देयर इज अ कैमरा. Okay, with the help of a camera, we are able to see it on the screen. Okay, so it is used. Rigid bronchoscope is used mainly for removing foreign substances to identify the source of bleeding. अगर कोई bleeding है, तो हमें identify करना है कि कहाँ पे injury हुआ है. ठीक है, तो we can use rigid bronchoscope. Then, if you want to remove any foreign substance, ठीक है, कोई भी foreign body है lungs के अंदर. Can be any device or any instrument or any article. ठीक है, तो हम rigid bronchoscope use कर सकते हैं. And it is also performing. We are also using in performing endobronchial surgical procedures. ठीक है, so ये जो rigid bronchoscopy है, ये जो procedure है, we are using rigid bronchoscope. ये हम operating room ओटी के अंदर हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, व्हेन एवर वी आर यूजिंग रिजिड ब्रोंकोस्कोप. ठीक है, सो रिमेंबर वी हैव टू यूज इट इन, वी हैव टू परफॉर्म द प्रोसीजर इन ओटी. ठीक है, नॉट एट बेड साइड. ठीक है, वेयर एज वो जो फाइबर ऑप्टिक फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप है, वी कैन यूज एट द बेड साइड. ओके, इट इज नॉट मैंडेटरी कि हम ओटी के अंदर ही ब्रोंकोस्कोपी परफॉर्म करना. No, we can use it on the bedside of the patient by using flexible fiber optic bronchoscope. Okay, so this is about rigid bronchoscope. So you can see the picture here also. ये जो instrument है, ये जो bronchoscope है, ये पूरा straight है. ये जो tube है, it is straight, it is fixed, it is not flexible. ठीक है? Then coming to the second type of bronchoscope is a fiber optic फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप. ठीक है, ये सबसे कॉमन मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन
bronchoscopy. So fiber optic bronchoscope, it is a thin, flexible bronchoscope that can be directed into the segmental bronchi. Okay? So we can use fiber optic bronchoscope if we want to identify, if we want to check primary bronchi, secondary bronchi, or the tertiary bronchi. Okay? Because of the small size, ki jo instrument hai, jo tube hum insert kar rahe ho, ye bahut hi small aur bahut hi thin hai. Okay, so because of the small size and because of the flexibility and its excellent optical system, it allows increased visualization of the peripheral area. Okay, so that is why fiber optic bronchoscope is most commonly used. Then fiber optic bronchoscopy allows biopsy of previously inaccessible tumor. Okay, agar koi tumor hai lungs mein. Okay, it can be, there can be tumor, there can be abdominal cells in the primary bronchi or tertiary bronchi or secondary bronchi. Okay, so agar hame wo specific tissue hame nikalna hai, remove karna hai, to we can use fiber optic bronchoscopy. Okay, so fiber optic bronchoscopy allows the biopsy of tumors and can be performed at bedside. ठीक है, तो इस प्रोसीजर के लिए अगर हम फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी यूज करें तो वी डू नॉट नीड टू परफॉर्म इन ओटी. ठीक है, ये पेशेंट की बेड साइड में भी कर सकते हैं या ओपीडी में भी कर सकते हैं. सो इट कैन ऑल्सो बी परफॉर्म थ्रू द एंडोट्रैकियल और ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब ऑफ पेशेंट ऑन वेंटिलेटर. अगर पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर, पेशेंट इज हैविंग एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब्स, ठीक है, तो हम ये जो ब्रोंकोस्कोपी, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, वी कैन परफॉर्म ऑन दोज पेशेंट्स ऑल्सो. ठीक है, एंड लास्ट इज साइटोलॉजिक एग्जामिनेशन कैन बी परफॉर्म विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन. ठीक है, सो वी आर रिमूविंग द स्मॉल टिश्यूज और द स्मॉल स्मॉल टिश्यू ऑफ द ट्यूमर. ठीक है, फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और for therapy, so we can use fiber optic bronchoscope. Okay, so is this clear between the two types of bronchoscope? Kisi ko doubt hai? Ma'am, first wale ko ek baar dobara bata dijiye. First wala, theek hai. The first type is rigid bronchoscope. Rigid ka matlab hai fixed. Ye flexible nahi hai. Theek hai, ye pura fixed hai, ye pura straight hai. You can see in the picture also. ठीक है, ये जो ट्यूब है जो हम इंसर्ट कर रहे हैं पूरा फिक्स्ड है, पूरा स्ट्रेट है, ये बेंड नहीं हो रही ना. ओके ओके, ठीक है, सो इट इज नॉट बेंडिंग, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, ये पूरा फिक्स्ड है, पूरा स्ट्रेट है. ठीक है, सो रिजिड ब्रोंकोस्कोप, इट इज अ हॉलो मेटल ट्यूब विथ लाइट एट इट्स एंड. ठीक है, ये जो ट्यूब में, जो एंड की ट्यूब में है, वहां पे लाइट है, छोटा सा लाइट है, एंड देयर इज आल्सो अ स्मॉल कैमरा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ कैमरा वी कैन सी ऑन द स्क्रीन. ठीक है, तो ये जो रिजिड ब्रोंकोस्कोप है, ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है रिजिड वाला, स्ट्रेट वाला, फिक्स्ड वाला, ये कौन से प्रोसीजर्स में हम कर सकते हैं? वी कैन यूज टू रिमूव एनी फॉरेन बॉडी. अगर कोई फॉरेन बॉडी है लंग्स में या ट्रैकिया में, ठीक है, तो हम रिजिड ब्रोंकोस्कोप यूज कर सकते हैं. ठीक है, नंबर टू, वी कैन, अगर कोई इंजरी हो गया, इफ देयर इज एनी इंजरी इन द लंग्स, एनी इंजरी इन द ट्रैकिया, देन वी कैन फाइंड आउट कि कहाँ पे इंजरी हुआ है. ठीक है, स्टार्टिंग जो ब्लीडिंग है ये कहाँ से शुरू हो रहा है. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ रिजिड ब्रोंकोस्कोप वी कैन आइडेंटिफाई द ब्लीडिंग साइट. वी कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ पे इंजरी हुआ है इन द लंग्स. And third is we can perform endobronchial surgery procedures. ठीक है, अगर कोई मतलब with the help of rigid bronchoscope we can perform surgical procedures in the lungs. ठीक है, and सबसे important है, अगर हम rigid bronchoscope, ठीक है, ये वाला instrument rigid वाला, fixed वाला या straight वाला bronchoscope use कर रहे हो, तो ध्यान रखना है कि ये जो procedure है ये हम OT के अंदर perform करें. Okay, we have to perform inside the OT and not at bedside, not at patient's bedside. Okay?
Whereas flexible fiber optic bronchoscope ये हम patient की bedside में भी perform कर सकते हैं या OPD में भी perform कर सकते हैं. ठीक है, it is not mandatory कि हम OT के अंदर ही bronchoscopy करना है. ठीक है, if you are using fiber optic bronchoscope जो flexible वाला है. ठीक है, so is this clear? Yes ma'am, thank you ma'am. So now coming to the procedure. ठीक है, procedure में there is before procedure, during the procedure and after the procedure. ठीक है, so first that is before the procedure. हमें क्या क्या as a nurse what we have to do or what are the procedure or what are the steps that we have to do before the procedure, before the bronchoscopy. Number one, consent form लेना है. ठीक है, कंसेंट फॉर्म में सिग्नेचर होना चाहिए फ्रॉम द पेशेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट असाइंड कंसेंट फॉर्म. ठीक है, एक कंसेंट फॉर्म में सिग्नेचर होना चाहिए फ्रॉम द पेशेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर टू, पेशेंट को हमें रखना है NPO. ठीक है, 6 hours बिफोर द प्रोसीजर. ठीक है, बिफोर ब्रोंकोस्कोपी हमें पेशेंट को रखना है NPO 6 hours before the procedure. NPO का मतलब है no food, no water, no fluids. ठीक है, नंबर थ्री, नर्स एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर टू द पेशेंट टू रिड्यूस फियर एंड एंग्जाइटी. ठीक है, तो हमें पेशेंट की एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करना है, तो व्हाट डज द नर्स हैव टू डू? एजुकेट. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देना है पेशेंट को, एजुकेट करना है कि क्या क्या होने वाला है और व्हाट वी हैव टू what we are going to do with the patient. Then point number four, the patient must remove all the dentures. Agar koi artificial teeth hai, theek hai, elderly people with senior citizens, elderly people, if they are having artificial teeth to wo hame nikalna. Theek hai, dentures nikalna hai, oral prosthesis, artificial teeth ya koi bhi artificial tooth hai. Okay, or anything we have to remove. Okay, then point number five, the examination is usually performed. So we have to examination the patient before the procedure also. Vital signs lene hai, theek hai, SpO2 check karna hai, respiratory rate, pulse rate, BP, temperature, all these we have to perform. Then a topical anesthetic, okay, anesthetic medicine jaise lidocaine or xylocaine, it can be sprayed on the pharynx of the patient or dropped on the epiglottis and vocal cords and into the trachea. Okay, topical anesthesia kyun dete hain? So that there will be numbness, okay, there will be no pain, and it also suppress the cough reflex. Agar patient ko cough karna hai to there will be no cough reflex, wo suppressed ho jayega. ठीक है, बाय गिविंग लिडोकेन और ज़ाइलोकेन एनेस्थेटिक मेडिसिन. देन वी कैन देन वी हैव टू गिव सेडेटिव. ठीक है, पेशेंट को सेडेशन में रखना है बिफोर द प्रोसीजर. ठीक है, सो वी कैन गिव इंजेक्शन फेंटेनिल और इंजेक्शन मेडाजोलम. ठीक है, दीज आर सेडेटिव मेडिसिन. और ओपियोइड्स आर एडमिनिस्टर्ड IV. याद रखना, IM नहीं है, ऑरल नहीं है, बट IV. ठीक है, अगर हमें सेडेशन रखना है पेशेंट को तो वी हैव टू गिव बाय IV. ठीक है, सो इंजेक्शन फेंटेनिल IV दे सकते हैं, इंजेक्शन मेडाजोलम वी कैन गिव बाय IV. सो दिस इज फॉर टू प्रोवाइड मॉडरेट सेडेशन. ठीक है, सो दैट पेशेंट विल नॉट फील और द प्रोसीजर पेशेंट विल नॉट हैव एनी डिसकम्फर्ट और पेन. ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स management for before procedure. Then during the procedure, okay, during the procedure, okay, we have given sedatives, patient ko sedate kar diya hai, okay, topical anesthetic medicines de diya hai, okay, so next is intubation. Okay, intubation is not required, okay, but क्यों? क्योंकि इंट्यूबेशन विल नॉट अलाउ एनी विजुअलाइजेशन ऑफ दी वोकल कॉर्ड. अगर पेशेंट को एंडोट्रैकियल ट्यूब है, ठीक है, एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, सो द डॉक्टर विल नॉट सजेस्ट फॉर एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन. क्यों? क्योंकि अगर हम पेशेंट को इंट्यूब्यूट
कर रहे हैं तो व्हाट हैपन इज द वोकल कॉर्ड्स यू विल नॉट आइडेंटिफाई, क्योंकि वी विल नॉट आइडेंटिफाई द लैरिंग्स, यू विल नॉट आइडेंटिफाई द ट्रैकिया, ओके, सो बिकॉज ऑफ द इंट्यूबेशन. देन अ स्कोप, द ब्रोंकोस्कोप, ठीक है, डॉक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन, ठीक है, अगर हम रिजिड वाला ब्रोंकोस्कोप यूज कर रहे हैं या फाइबर ऑप्टिक फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप यूज कर रहे हैं, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट एंड द डॉक्टर्स. सो स्कोप इज इंसर्टेड एंड द एयरवे इज व्यू. सो विद द हेल्प ऑफ ब्रोंकोस्कोप वी आर एबल टू आइडेंटिफाई, वी आर एबल टू सी द कंडीशन ऑफ द lungs, we are able to see the condition of the trachea, the bronchi in the computer, in the screen. Then oxygen is needed to oxygen should be provided to the patient with the help of a mask or by removing one prong of the nasal cannula from the nose to allow for insertion of the scope. ठीक है, तो oxygen देनी है patient को, we can give by nasal prongs, ठीक है, nasal cannula, ठीक है, जो हम nostrils के अंदर insert करे. You can see, I think everyone must have seen nasal prong or nasal cannula in the wards. ठीक है, so they are with the help of nasal cannula or nasal prong, we can provide oxygen to the patient. ठीक है, so this is during the procedure. Then diagnostic. Okay, so after after inserting the bronchoscope, अगर हमने insert कर लिया bronchoscope, हमने देख लिया patient की condition. ओके, हमने फाइंड आउट कर लिया कि हाँ, सेकेंडरी ब्रोंकाई में एक छोटा सा ट्यूमर है, एक छोटा सा अबनॉर्मल सेल ग्रोथ है, तो फिर यू कैन ऑलवेज डू द बायोप्सी. ठीक है, सो वी कैन परफॉर्म द टिश्यू बायोप्सी. ओके, सो दैट विल बी थेरेप्यूटिक प्रोसीजर. ओके, सो डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक प्रोसीजर आर परफॉर्म्ड आफ्टर इंसर्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, दैट इज ब्रोंकोस्कोप. Then intubated patient on ventilators needs special adapter for advancement of the scopes. अगर patient intubation पे हैं या ventilators पे हैं तो उनके लिए एक special adapters चाहिए, so that there will be no loss of ventilator pressure. ठीक है, so that there will be no changes in the ventilating pressure and there will be no loss of positive and expiratory pressure. Then continuous monitoring during the procedure. ठीक है, जब हम ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमें मॉनिटर करना है पेशेंट की वाइटल साइंस, वी हैव टू मॉनिटर द पेशेंट्स ECG एंड ऑल्सो द ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 विद द हेल्प ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर. ठीक है, देन आफ्टर द प्रोसीजर जो भी हम जो इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, दैट ब्रोंकोस्कोप, ठीक है, ऑल द डिवाइस, ऑल द इक्विपमेंट्स वी आर यूजिंग फॉर द पेशेंट, उसको हमें डीकंटामिनेट करना है विद अल्कलाइन ग्लूटराल डिहाइड. ठीक है, और वी कैन ऑल्सो इन डीकंटामिनेट इन साइडेक सोल्यूशन. ठीक है, सो इक्विपमेंट्स शुड बी क्लीन्ड बाय डीकंटामिनेशन विद अल्कलाइन ग्लूटराल डिहाइड और वी कैन यूज साइडेक सोल्यूशन. ओके, सो दिस इज ड्यूरिंग द प्रोसीजर. Okay, is this clear? Is there a doubt there? Okay, now coming to the after the procedure. Okay, after procedure, what are the roles and responsibilities we have to follow as a nurse? Number one, okay, so patient takes nothing by mouth. Okay, after the procedure also, okay, we should not give anything to the patient by mouth. ठीक है, ना खाना, ना फ्लूइड्स, ओके, और वाटर, नथिंग अंटिल द कफ रिफ्लेक्स रिटर्न्स. ठीक है, व्हेन द पेशेंट्स कफ रिफ्लेक्स विल कम बैक टू नॉर्मल, क्योंकि हमने हमने क्या दिया है, ज़ाइलोकेन, है ना, वी गिव सम एनेस्थेटिक मेडिसिन टू द पेशेंट सो दैट देयर कफ रिफ्लेक्स सप्रेस्ड हो जाते, दैट वॉज बिफोर द प्रोसीजर. सो वी हैव टू वेट टिल द कफ रिफ्लेक्स कम्स बैक टू नॉर्मल. ठीक है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम हमें कुछ नहीं देना है पेशेंट पेशेंट को बाय माउथ. ठीक है, देन वंस द पेशेंट डेमोन्स्ट्रेट्स अ कफ रिफ्लेक्स, ठीक है, when the patient's cough reflex comes back to normal, ठीक है, then we can start giving by drops of fluids or we can give ice chips.
Then the nurse will assess the patient's mental activity, mental status for confusion and lethargic, especially in the elderly people. Then nurse monitors the respiratory rate of the patient. She will monitor the SpO2 level of the patient for hypoxia, hypotension, tachycardia, dysarrhythmias, hemoptysis, and dyspnea. So these are some of the, you can say, the complications. Okay, the complications of bronchoscopy. ठीक है, तो इसलिए हमें पेशेंट की वाइटल साइंस मॉनिटर करना है, ECG मॉनिटर करना है, SpO2 लेवल मॉनिटर करना है कंटिन्यूअसली बाय पल्स ऑक्सीमीटर. कि वाई? सो दैट यू हैव टू चेक फॉर एनी हाइपोक्सिया. ठीक है, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया, दैट इज रैपिड पल्स रेट और फास्ट पल्स रेट, dysarrhythmias, any abnormality in the rhythm of the heart, इसलिए ECG monitor करना है, hemoptysis हमें check. हमें hemoptysis के लिए check करना है, if there is any. We have to check for any blood in the sputum, okay, and we have to check for any shortness of breath or difficulty in breathing. Then the patient is not discharged from the recovery area until adequate cuff reflex and respiratory status are present. ठीक है, जब तक patient की cuff reflex वापस ना आए या respiratory status is not maintained or balanced, then we should not discharge the patient from the ward. Then nurse instructs the patient and family members to report if there is any shortness of breath or bleeding takes place. Okay, if there is any bleeding, okay, if patient is bleeding, vomiting with bleeding, or patient is coughing with blood, or patient is spitting the sputum with blood, then we have to inform the patient to report immediately to the nurses or to the doctors. Okay, so this was after the procedure. Now coming to the complications. Okay, bronchoscopy bhi uski complications hote hain. So the most common complication is nose bleeding, epistaxis. Okay, so the most common complication is mild epistaxis or mild nose bleeding. Then number two complication is bronchospasm or laryngospasm. Okay, there is a spasm in the bronchioles or spasm in the larynx. Then patient will have bleeding. Okay, there can be chances of bleeding. There will be hypoxemia, okay, lack of oxygen in the blood. Patient can have arrhythmias, that is abnormal heart rhythm. Okay, wo jo ECG PQRST waves hai, that will be irregular. Patient can have seizures, okay, aspiration, pneumothorax, that is air inside the lungs, and patient can have respiratory depression or respiratory problems. Okay, so difficulty in breathing, okay, not able to breathe properly, tachypnea, all the respiratory depression. So these are the complications of bronchoscopy. So is this clear till here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I will send this PowerPoint in the group. Okay, check the PowerPoint.